हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आप लोग के साथ आई हूँ एक क्राफ्ट लेकर। इस क्राफ्ट में भी मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। मैंने इस कार्डबोर्ड से 4 सर्कल कट किए हैं और सर्कल कट करने के बाद मैंने इसके किनारों को मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर दिया है। आपके पास अगर मास्किंग टेप नहीं है तो आप उसकी जगह घर में पड़ी कोई भी कॉपी या न्यूज़पेपर को आप किनारों पे चिपका सकते हैं। किनारों को कवर करने के बाद मैंने इसे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है और जब वाइट एक्रेलिक कलर सूख गया है तो मैंने इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर में कलर कर दिया है। कलर सूखने के बाद मैं इसके किनारों पर ग्लू लगाऊंगी। आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं। इस ग्लू को हम चारों तरफ अच्छी तरह से अपनी उंगलियों से मिला लेंगे। बीच में जो थोड़ा सा जगह है उसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी चावल लेंगे और जहाँ जहाँ हमने ग्लू लगाया है उस पे इसे छिड़क कर अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा चावल है उसे हम निकाल देंगे। इसी तरह से जो और भी मेरा बाकी का सर्कल बचा हुआ है तो मैं एक पे गेहूं डालूंगी, एक पे मैं मसूर की दाल डालूंगी और जो मेरा एक बच गया है उस पे मैं खड़ा मूंग डालूंगी। उसे भी हल्के हाथों से प्रेस करूंगी और जो एक्स्ट्रा जो उसमें से अनाज रहेगा उसे मैं बाहर निकाल लूंगी। देखिए, मैंने कैंडल को डेकोर करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, बस इस तरह का जो सेलो टेप आता है वो लिया है और मैं बस जो कैंडल के किनारे किनारे इसे चिपका दूंगी। आप सेलो टेप की जगह लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पतली लेस है तो आप इस पे चिपका के सेलो टेप की जगह उसे भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके घर में अगर रंगीन पेपर है तो आप उसे भी इस पे चिपका सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इस पे क्या करेंगे कि इसे ब्लैक कलर से कलर करेंगे और जब हमारा ब्लैक कलर अच्छी तरह से सूख जाएगा तो इस पे गोल्डन मेटैलिक कलर कर देंगे। इसके बाद मैं थोड़ी सी मोती लूंगी और जो बीच का पार्ट है उसे मैं थोड़ा सा डेकोर करूंगी। आपके पास अगर मोती नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या उसकी जगह किसी लेस का यूज कर सकते हैं। एक को मैंने उस तरह की मोती से डेकोर किया है और दूसरे को ये वाले मोती से डेकोर कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक इस तरह का कपड़ा ले रही हूँ। ये कपड़ा मेरे पास बस इतना ही है और बहुत दिन से ये मैंने संभाल के रखा हुआ था क्योंकि ये देखने में काफ़ी सुंदर है, तो आज मैं इसका यूज करूँगी। देखिए, मैं इस कपड़े को इस तरह से तिरछा काट रही हूँ। हम इस कपड़े से लंबी लंबी इस तरह से लड़ियाँ काट लेंगे और जो हमने मैट तैयार किया है उसके किनारों पे इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कपड़ा बचा हुआ है तो आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह लेस का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दिया मैट बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के बजट फ्रेंडली क्राफ्ट देखने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।